एक दिन मुझसे गलती से 200 का नोट फट गया। चाचा 200 फट गया, नया नोट। चाचा ने तो थोड़ा भी सहानुभूति नहीं दिया। अब देखो ऐसा है कि ये नोट मेरा नहीं था, मुझे कस्टमर ने दिया था अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन ये नोट मुझसे गलती से फट जाता है। अब देखो गलती मुझसे हुई है तो भरपाई भी मुझे ही करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे अपने पर्स से वो 200 का आखिरी नोट निकाल कर देना पड़ता है उस फटे हुए नोट के बदले में। उसके बाद मैं उस फटे हुए नोट को लेकर ऑफिस से निकल पड़ता हूँ। तभी मुझे रास्ते में दिखता है ये SBI का ब्रांच, जहाँ मैं जाकर अपना दुख सुनाता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप कल आइए, आपका नोट एक्सचेंज हो जाएगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं आ जाता हूँ रूम और उस फटे हुए नोट को मैं संभाल कर अपने पर्स में रख लेता हूँ ताकि वो और न फट जाए। अगले दिन मैं ऑफिस से लेकर, जो कि ये भैया देते हैं, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ SBI का मेन ब्रांच। यहाँ पर आकर जब मैं अपने फटे हुए नोट का दुख सुनाता हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि नोट का जो फटा हुआ पार्ट है उस पर कागज चिपका दीजिए, उसके बाद आपका नोट एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखो मैं अपना नोट चिपका ही रहा था, तभी एक भैया आते हैं 500 का नोट लेकर और नोट को दिखाते हुए बड़े ही दुख के साथ कहते हैं कि उसको चूहा काट दिया। खैर फाइनली हमारी नोट चेंज हो जाती है।